अच्छा है अच्छा है, आ गए मेरी मिमिक्री का तमाशा देखने के लिए। अब पूछोगे कि कैसे सिखाता है, कैसे बताता है, कैसे करता है, लेकिन पहले ध्यान से देखो कैसे करता हूँ, आपको देखना पड़ेगा। मिमिक्री सीखने आए हो तो मिमिक्री की तरह ही सीखो, ध्यान से सीखो। ऐसे मिमिक्री नहीं सीखोगे, ऐसे मिमिक्री नहीं सीखोगे, ध्यान से देखो मेरी मिमिक्री को, अगर अच्छी लगे तो करना, नहीं तो मत करना। जाओ अब मिमिक्री सीखो, चलो भाई क्लास को शुरू करवाओ, बताओ इनको कैसे करना है। हाय, मेरा नाम है संदीप सलवान और आज हम सीखेंगे नाना पाटेकर की मिमिक्री। अच्छा है अच्छा है। तो बेसिकली नाना पाटेकर की मिमिक्री को सीखने के लिए 5 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है, आपको ब्रीदिंग को कंट्रोल करके मिमिक्री करनी है। कैसे बताता हूँ आपको मैं। आपको कुछ सेकंड्स के लिए आपको सांस रोकनी है। पहले एक लंबी सांस लो और अब बोलो, ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा है अच्छा है। नाना पाटेकर जी की जो वॉइस पिच है वो आपको समझनी है पहले, वो कैसे आएगी, वो ब्रीदिंग कंट्रोल से ही आएगी। और ब्रीदिंग कंट्रोल कैसे करना है मैं आपको फिर बता रहा हूँ। आपको एक लंबी सांस लेनी है और अब डायलॉग बोल रहा है, मैंने सांस रोक रखी है इस समय, और अब बोलो। देखिए आपका यही टेक्सचर आएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ, और थोड़ा ना एनर्जी के साथ बोल रहे हैं। ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी, देख रहे हो आप, देख रहे हो। और आपको आपका जो ये जो गला है, अपने चिन को डाउन कर लेना है आपको। मतलब पहले तो ब्रीदिंग को कंट्रोल करना है। ब्रीदिंग कंट्रोल कैसे करोगे आप, लंबी सांस ली, यहाँ पे रोक के रखा, और साथ में ही आपको ये जो चिन है इसको डाउन करना है ऐसे। अब बोलो, ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी। ये है मेरी पिच, नाना पाटेकर की ये पिच है, आप ध्यान से देखो इसको। ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल करना है, कंट्रोल योर ब्रीदिंग। मैं फिर से आपको करके दिखा रहा हूँ। पहले ब्रीदिंग कंट्रोल कीजिए, लंबी सांस लीजिए आप, अब डायलॉग बोलो चिन को डाउन करके। ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी, अगर मेरी मिमिक्री सीखना चाहते हो तो ऐसे करो, बीच बीच में सांस लो। अच्छा है अच्छा है। तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ये उनकी पिच के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पिच के बाद जो बारी आती है वो ये आती है कि जब भी आप नाना पाटेकर जी का डायलॉग बोलें, हमेशा स्पीड में एनर्जी के साथ बोलें। आपने देखा होगा हमेशा उनका कोई भी डायलॉग स्लो होते हैं, बीच बीच में वो स्लो एंड भी लेके आते हैं, लो एंड करते हैं अपना कई बार, लेकिन आपको एनर्जी के साथ बोलना है, फास्ट बोलना है। जैसे आ गए मेरी मिमिक्री का तमाशा देखने के लिए, अब बोलेंगे कि कैसे होती है, क्या करना होता है, तो ध्यान से देखो तभी समझ में आएगा। पहला पॉइंट बता दिया आपको, सांस को रोकना है, सांस को रोक कर बोलना है, थोड़ी देर के लिए रोकना है, ज्यादा देर के लिए नहीं रोकना, समझे। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको, ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल करना है। मुझे पता है यहाँ पे कुछ लोगों को यही डाउट आ रहा होगा कि जैसे मैंने बाकी एक्टर्स के पिच के बारे में बताया, वैसे इसमें भी बताऊं, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, मैं पिच के बारे में बता रहा हूँ। नाना पाटेकर जी की जो वॉइस है आप इसी स्टाइल से इसी तरीके से ईजिली पिक कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल करोगे, देखना आपकी आवाज़ बिल्कुल सेम वैसी आनी शुरू हो जाएगी, बट आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है ऑब्वियसली। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल करना। तो दूसरा पॉइंट उनका ये आ जाता है, जो बीच बीच में ना ऐसे नाक से जो सांस लेते हैं। अच्छा है, जब आप नाक से सांस लेते हो ना बीच बीच में, तो ये आपको हेल्प करता है उनके नज़दीक जाने में, उनकी आवाज़ उनके पूरे के पूरे बॉडी लैंग्वेज को पिक करने के लिए। थर्ड पॉइंट है स्पीड में बोलना है, एनर्जी के साथ बोलना है, ये तीसरी चीज़ है। एंड फोर्थ चीज़ उनकी क्या है, लो साउंड में बोलना है आपको, उनके लो एंड को बोलना है। अब ये लो एंड क्या हुआ बताता हूँ आपको, जो फोर्थ पॉइंट है लो एंड को पकड़ने वाला वो ये है, वो बीच बीच में ऐसे करते हैं बिल्कुल भारी सी, जैसे आपका जो आपने देखा होगा कई बार दरवाज़ा कैसे खुलता है, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ऐसे आती है ये, तो ये लो एंड है एक्चुअली। तो इस लो एंड में आपको बीच बीच में डायलॉग के बीच बीच में कुछ वेरिएशंस लानी है। कैसे, अच्छा है चल हवा आने दे, अच्छा है चल हवा आने दे, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, मैं दारू नहीं पीता बीड़ी पीता हूँ, मैं दारू नहीं पीता बीड़ी पीता हूँ। तो ये लो एंड से बोल रहा हूँ मैं, ये ऐसे मैं दारू नहीं पीता बीड़ी पीता हूँ, ये इनका लो एंड है।
राइट, एक तो आ गया फास्ट स्पीड में बोलना और दूसरा ये आ गया लो एंड में बीच बीच में वेरिएशंस लाना। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अब ऐसे क्या देख रहे हो, जाओ प्रैक्टिस करो। अभी खत्म नहीं हुआ, ये आगे और भी बताएंगे आपको, सुनते रहो सुनते रहो, अभी खत्म नहीं हुआ। उसके बाद आपका जो फिफ्थ पॉइंट आ रहा है वो ये है बीट वाली हंसी। ये बीट वाली हंसी क्या होती है, नाना पाटेकर की एक बड़ी स्पेशल हंसी है बीट वाली हंसी। अब देखो मैं बीट वाली हंसी कैसे हंसता हूँ, देखते रहो ध्यान से देखो। ये बहुत सिंपल है, बस एक आपको बस ये मैंने 3 बार किया है, आपको 10-12 बार 15 बार करते रहो तो वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। कैसे, फिर से मैं करता हूँ। अच्छा। और ये मैं आप देख रहे हो बार बार हाथ ऐसे कर रहा हूँ। अच्छा है, ये भी करते हैं वो कई बार। ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट पैकेज देती हैं जब आप नाना पाटेकर की मिमिक्री करते हो। तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, या सर पे हाथ ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब सीधा सा फंडा ये है कि चिन को डाउन रखते हैं वो ऐसे करके। चल जा अब हवा आने दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, नहीं आया तो भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, आपको देखना तो पड़ेगा ही। जाओ इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ भी करो, शेयर करो। चल अब जा हवा आने दे।